अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। सर, मंजिल जरूर मिलेगी, रास्ता कितना भी मुश्किल हो जरूर तय करेंगे। क्योंकि सर, आप इस तरीके से हमें बताते हो, इस तरीके से पढ़ाते हो कि हमें लग रहा है अभी कि मंजिल पाना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। हमारी मंजिल क्या है भी सर? जो आप पढ़ाते हो मैथमेटिक्स है, ये वाला जो चीज है, इसमें हम हमारी जो बेस्ट लेवल है ना, हमारी जो कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा स्कोर करेंगे। सर, अगर हमें ऐसे 90% ला सकते हैं तो आपकी वजह से हमें 100% जरूर आएंगे। अगर हमें फेल होने का डर है हमारे दिल में, दिमाग में, तो हम फेल नहीं होंगे सर। क्योंकि सर, हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे आप हमें बोल रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। आप जो प्रॉब्लम देख करते हो वो तो हम सॉल्व कर लेते हैं, वीडियो अच्छे से देखते हैं, और उसके टाइप के और प्रॉब्लम हम जरूर सॉल्व करते हैं सर। और हम हर जो आपके क्वेश्चन है, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ाते हो, सिक्वेंस में देखते हैं, फॉर्मली जो भी आप बोलते हो हम ध्यान में रखते हैं। अच्छा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके सर, सर फिर आज क्या पढ़ाने वाले हो सर? वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, ऐसे आ रहे हैं, हर रोज देखता हूँ मैं, कि बच्चे कहते हैं सर आप, हमें तो पहले डिफिकल्ट लगता था, ऐसा लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जैसे आपका लेक्चर देखने के बाद, आपका जिस तरीके से आपने पढ़ा है, अब हमें लग रहा है ये आसान है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि यही मेरा मकसद है यार, मैं जो भी कर रहा हूं ना ये आपके लिए, उसके पीछे एक ही मकसद है मेरा, कि किसी को अगर कोई चीज आसान है तो वो सबको आसान लगनी चाहिए। और वैसे तो दुनिया में मुश्किल तो है नहीं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं मैथ्स को देख के डरते हैं, पता नहीं क्यों। और उसका मैं शिकार खुद रहा हूं। जब मैं पढ़ता था तब मैथ्स को भी मैं भी डरता था। वैसे तो पहले मैथ्स अच्छा लगता था, बाद में इंजीनियरिंग का वगैरह मैथ्स मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था, और वो क्यों लगता था आज मुझे पता चल रहा है, वैसे है नहीं बराबर। तो वही चीज मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको भी मुश्किल लग रहा होगा कई सारे बच्चे, तो उनको मैं दिखाना चाहता हूं जैसा लगता है वो है नहीं चीज। और जब ऐसा हो रहा है, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, बच्चे सब, मतलब मैं जो मकसद से बनाता हूं वैसा सफल हो रहा है सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, और मुझे और उम्मीद मिलती है कि, और मुझे हौसला मेरा बढ़ता है कि और मैं अच्छे से आपको और वीडियोस और क्वेश्चंस और कर पाऊं। ठीक है, तो करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और किसी चीज से डरना नहीं है, किसी सब्जेक्ट से तो बिल्कुल नहीं डरना है। अरे हम इंसान हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे तो बिल्कुल नहीं डरना है मैथ से, तो बिल्कुल मैं डरूँ बराबर, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। ओके सर, बिल्कुल सही बोला सर आपने। अभी करते हैं रोम्बस। रोम्बस एक बहुत ही अच्छा फिगर होता है। रोम्बस क्या होता है सबसे पहले बता दो, क्योंकि बता देता हूँ उसमें कुछ है नहीं। एक आपको एक तो बात पता है कि डायगोनल क्या चीज होता है। सर डायगोनल क्या होता है? मान लीजिए कोई भी फिगर लेते हैं, मान लीजिए यहां पर ऐसे एक फिगर मैंने ड्रॉ किया, तो इसको जो अपोजिट्स कॉर्नर्स मैंने अगर जोड़ दिए वो, उनको हम डायगोनल बोलते हैं। तो किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर, इसको दो डायगोनल होते हैं, ये वाला एक और ये वाला एक, लेकिन ये डायगोनल के बीच में एंगल कितना है बराबर नहीं बोल सकते। हर एक फिगर पे डिपेंड है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कौन सा फिगर है उसके ऊपर है, राइट। तो ऐसा फिगर अभी स्क्वायर भी लेते हैं तो इसके डायगोनल के बीच में क्या एंगल होगा बराबर? नहीं, ऐसे कैलकुलेट करो बराबर। तो यहां पर ऐसा फिगर लेते हैं हम जिसके एंगल एंगल्स के बीच में 90 डिग्री होगा, तो उसको हम रोम्बस बोल सकते हैं बराबर। इसको मैं रोम्बस बोलूंगा बराबर। तो आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि रोम्बस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, लेकिन हमें फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। रोम्बस का फॉर्मूला, एरिया का क्या फॉर्मूला है? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल वन इंटू डायगोनल टू। मतलब डायगोनल का फॉर्मूला हम ध्यान में रखते हैं, डायगोनल कौन सा होता है? अपोजिट कॉर्नर ज्वाइन करने वाला। ओके, तो क्या फॉर्मूला है यहाँ पर? रोम्बस, रोम्बस नाम का फिगर होता है, वो भी चार चार साइड का ही होता है, उसके डायगोनल्स में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। अच्छा सर, समझ गए। उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम कैसा आया है। प्रॉब्लम आ सकता है फिर से, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, ध्यान देना है। और ये इतना मतलब फ्री के मार्क्स आपको बांटे हुए हैं मार्क्स से,
तो जब फ्री के मार्क्स आते हैं वो तो ले लो कम से कम, बराबर, मतलब कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स, वो बोल रहा हूँ फ्री के, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन वैसे सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फाइंड द एरिया, तो सबसे पहले ये देखना है पूछा क्या है, बराबर। तो एरिया पूछा है, फिगर कौन सा है, रोम्बस। वेयर डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स दिया है, एक दिया है 6 सेंटीमीटर, एक दिया है 9 सेंटीमीटर। तो सब कुछ रेडीमेड है, 2 मार्क का क्वेश्चन होगा सर, हम समझ गए, क्योंकि सब कुछ रेडीमेड है, खाली फॉर्मूला में रख के हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस है, तो 2-4, 3-4 मार्क के लिए तो हो ही नहीं सकता, तो 2 मार्क भी यार मतलब छोटी चीज नहीं होती, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ½ d1 d2। ओके सर, समझ गए। तो इसका कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम निकालो नहीं निकालो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली भी सॉल्व करते हो, डायग्राम नहीं निकालते हैं क्योंकि हमें डायग्राम से कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब कुछ रेडीमेड दिया है, कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं इसलिए, बराबर। तो गिवन लिखता हूं मैं, गिवन में क्या क्या दिया है, d1 = 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, d2 = 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर। और फिगर क्या है वो भी निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके के पहले मैं डायगोनल्स निकालता हूं, ऐसा होगा राइट, ऐसा होता, एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ओके सर, तो यहां पर क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, एरिया, एरिया ए इज इक्वल टू ½ d1 d2। d1 की वैल्यू दी है 6, d2 की वैल्यू दी है 9, 2 3 6 कैलकुलेटर में डाल सकते हो आप, ये आएगा 27 मीटर। एरिया को यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखना है, सेंटीमीटर दिया है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया क्या बना मेरा, बहुत ही फालतू है, बच्चों वाला सवाल है, मतलब फालतू मतलब बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं बताने लगे। एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रहेगा, ½ d1 d2, बराबर, d1 डायरेक्टली d2 डायरेक्टली दे दिया, वैल्यूज रखे आ गया, कैलकुलेटर में डालो, 2 मार्क मिल गया आपको, और क्या चाहिए जिंदगी में, इतना आसान होता है लाइफ, आप कामों का उसको मुश्किल बना देते हो, बराबर। और मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसे सब्जेक्ट में बच्चे फेल कैसे होते हैं, बहुत सारे हर साल ऐसे में देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आप फेल क्यों होते हो, और ऐसे सारे चैप्टर के किए हमने, इसी चैप्टर के आसान है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, पहले से देखो, सारे वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे ये चीज तो फेल होने की नहीं है, तो स्कोरिंग की चीज है। एक बंदा या बंदी, लड़का लड़की जो भी हो, अगर 100 out of 100 लेके आती है तो आप क्यों नहीं, आप फेल क्यों हो जाते हो, बराबर। तो कमी इसमें तो नहीं है, कमी ज्यादा कुछ, कमी तो है तो अपने अंदर है कुछ, तो मतलब आपका नजरिया इसके हिसाब से गलत है इसको देखने का, तो वो बस बदलना है यार। बदलता कैसे है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे फॉलो करो चीजें, नजरिया अपने आप बदल जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर मैं एक सवाल आपके लिए देता हूं, यहां पर आपको क्या करना है, एक सवाल मैं लिखता हूं आपको, होमवर्क समझ सकते हो आप इसको, होमवर्क क्लास वर्क जो भी यार नाम दो इसको, मैं बस चाहता हूँ आप सवाल सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर बताएं, ठीक है। ओके, एरिया ऑफ रोम्बस इज, एरिया ऑफ रोम्बस इज, यहां पर मैं लेता हूं 35 मीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ दी डायगोनल इज 7 meters, वन ऑफ द डायगोनल इज 7 meters, फाइंड लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। क्या दिया है मुझे, क्या दिया है, एरिया दिया 35, एक डायगोनल की वैल्यू 7 मीटर दी,
और यहाँ पे दूसरा डायगोनल मुझे फाइंड करना है कितना होगा। तो ये सवाल सॉल्व कीजिए और डायगोनल की वैल्यू कितना आई कमेंट में बताएं और यूनिट के साथ बताऊं, बराबर? ओके सर, हम करेंगे जरूर और कमेंट में इसका आंसर बताइए। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट में लेके लिख सकते हो, हर एक प्रॉब्लम को नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है सर? समझ में आ गया है, करते हैं सर अगला सवाल।